गुंजन, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप इस तरह के सर्वाइवर्स को, इस तरह के जो पीड़िता हैं उनको उठाती हैं, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक मुश्किलें क्या आती हैं आपको? मैम, सबसे पहले जो हमारे पास प्रैक्टिकली मुश्किलें आती हैं वो ये होती हैं कि इन तक जो मदद हमें देनी है वो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप सबको देख रहे हैं, इनको कुछ कुछ साल हो चुके हैं, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 17 साल, जिनको जस्टिस तो नहीं मिला पर उनको उतना न्याय या पैसे भी नहीं मिले कि वो अपनी सर्वाइवर्स के तरीके से वो जिए। मेरा एक सवाल है, सीनियर जस्टिस हैं हमारे पास में सब जो अभी बात कर रहे हैं, कि अभी अगर हम अनु की बात करते हैं कि उनको एक फर्स्ट एड दिया गया, कि उनको थोड़ा सा सर्जरी कर दिया गया उस टाइम पर फर्स्ट एड के तहत, और उनकी दोनों आईज, अगर आप उनका चश्मा हटवा के देखें तो उनकी दोनों आईज इस वक्त खत्म है, वो देख नहीं सकती है, वो सिली हुई हैं, स्टिच हैं, उस टाइम पे क्या कोई जज या कोई जस्टिस या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये हेल्प थी कि शायद इनकी आंखें रिप्लेस हो सकती हों जो बर्न हो चुकी हैं एसिड की वजह से, शायद एक मौका हो कि दोबारा उनकी आंखें हो? आज वो पूरी लाइफ के लिए वो खत्म हो चुकी हैं, शायद उनकी आंखें होती, स्किन खत्म हो गई, आई एग्री, बट अगर उनकी आंखें होती तो वो शायद ज्यादा काम कर पाती, या अपने आज वो डिपेंड है किसी के ऊपर, बिल्कुल उनके साथ में कोई ना कोई रहता है।